नमस्कार दोस्तों, आगरा से जिला अध्यक्ष हिंदू महासभा की मीरा राठौर ने इतिहास रच दिया है। लोग कोर्ट में अर्जी लगाते रहे, सुनवाई करते रहे और मीरा राठौर पहुंच गए तेज महल में कांवड़ चढ़ाने के लिए। आज के समय हर एक कांवड़िया अपने अपने जगह, अपने अपने शिव मंदिर पे या जहाँ पे उसकी आस्था, उस जगह पे जल को चढ़ा रहा है। वहीं पे मीरा राठौर नाम की एक ऐसी महिला निकली, एक इकलौती जो अकेली तेज महल पहुंच करके इतिहास रच दिया है। हालांकि उनको जल चढ़ाने की अनुमति नहीं मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर आओ। वहीं पे इनका ये भी कहना है कि जब वो नमाज पढ़ सकते तो मैं पूजा क्यों नहीं कर सकती हूँ? वो बिरयानी बंटवा सकते हैं तो मैं सिर्फ भोले बाबा पे बेल पत्र क्यों नहीं चढ़ा सकती हूँ? ये लोग क्यों नहीं अनुमति देते, क्यों नहीं जाने दे रहे मेरे को? जल्दी इसलिए नहीं चढ़ा पा रहे हैं क्योंकि अकेली हैं। मुझे मालूम है कि अगर इन भोली के साथ में और भी बहुत सारे लोग होते तो जनकप पर जल चढ़ चुका होता। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष है, मेरे हिसाब से इनका साथ देने के लिए और लोगों को आना चाहिए। जो लोग जल नहीं चढ़ाना चाहते कोई बात नहीं, जो कांवड़ लेने नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन एक साथ में रहते तो ज़रूर इनकी हिम्मत और भी ज़्यादा रहती। वैसे एक भोली इन सब के बराबर है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर और लोग रहते तो हिम्मत रहती है इनकी और भी ज़्यादा। अगर इन भोले के साथ में और भी ज़्यादा भोले आ जाते हैं कांवड़ लेकर के जल चढ़ाने को लेकर 50-60 की संख्या में, तो शायद ही इनको रोका जा सके। मैं इनका साथ देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इतनी देर से खड़ी है तो इनका भी अपमान हो रहा है। अगर नॉर्मल वस्त्र में नॉर्मल टाइम होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कांवड़ लेकर के आई हैं, एक भोले के रूप में है। कितनी देर से वो लेकर के खड़ी होंगी कांवड़, तो भाई मेरी नज़र में तो अपमान है, इनको खड़ा नहीं रहना चाहिए। किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं जल चढ़वा ही देना चाहिए। बाकी इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। अब थोड़ा ताजमहल के इतिहास की बात करते हैं कि असल में ये है किसका ताजमहल, क्योंकि अधिकतर लोग का तो ऐसा मानना है कि भाई ताजमहल नहीं तेज महल है ये। इस चीज़ को लेकर कोर्ट में लोगों ने सबूत भी पेश किए थे। जिन लोग को ऐसा लगता है कि ये ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया है, तो अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो 17वीं सदी का दिखेगा बना हुआ। देखो, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया या मान सिंह ने बनाया, ये मैटर अभी कोर्ट में चल ही रहा है। लेकिन तो एक याचिकाकर्ता के द्वारा साफ तौर पे एक बुक को कोट करते हुए कहा गया, मुमताज महल का बीवी के रूप में कोई भी जिक्र नहीं है और मुमताज की जो मृत्यु है बुरहानपुर में 1631 में हुई थी। तो मृत्यु के 6 महीने बाद उसके शरीर को ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में दफनाने के लिए आगरा लेकर के आया गया। वहीं ASI ने एक जानकारी दी है जिसमें उनका कहना है कि 1648 में स्मारक परिसर को पूरा होने में 17 साल लगे। मुमताज महल के शव को मुख्य मकबरे के तहखाने में दफनाया गया, तो उनका शव वर्ष 1631 में 6 महीने के भीतर कैसे आया, बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने खड़ा करा था। अब ताजमहल के और भी थोड़ी डिटेल के बारे में बात करते हैं। इससे भी पहले की ताजमहल के बारे में बताया जाता है कि ये जिस जगह स्थित है वो मान हवेली पर बना हुआ है, यानी शायद मानसिंह की जगह पर। इतिहासकार साफ तौर पर लिखते हैं कि ताजमहल मूल रूप से एक राजपूत महल या मंदिर था और शाहजहां ने इसे मकबरे में परिणत कर दिया। ये इतिहासकार का मानना है, मेरा नहीं। जो लोग मानते हैं कि भाई मुगल बादशाह शाहजहां ने इसको बनवाया है, तो उनका साफ तौर पर मानना है कि 17वीं सदी में बना है। लेकिन जिनका कहना है कि मान सिंह ने बनवाया है, तो कुछ समय पहले ही बनना चाहिए इसको। 1648 में इसको बनवाया गया था। हमारे इतिहास के साथ बहुत ही ज्यादा बहुत अटूट छेड़खानी करी है, जितना शायद किसी और के साथ किया नहीं होगा। बाकी आपका क्या मानना है इस मामले में, आप अपनी राय जरूर दीजिए कि भोली को एक जगह खड़ा रखना क्या यह अपमान है या नहीं, इनको परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप अपनी राय जरूर दीजिए और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें, सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।